कोई सिगरेट पी रहा है उसे एडिक्शन है, कोई अल्कोहल ले रहा है उसे एडिक्शन है। क्या ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत खतरनाक है? बहुत खतरनाक। आप पर ध्यान से समझो कि इन दोनों के पीछे क्या चीज कारण था जिससे सेलेक्ट नहीं हुए बच्चे। एडिक्शन। क्या चीज? एडिक्शन। जो बच्चा दिन में 2 घंटे फेसबुक चला रहा है ना, वो भी अपना उतना ही नुकसान कर रहा है जो रोज अल्कोहल ले रहा है फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट इफ यू वॉन्ट टू गेट सिलेक्टेड प्लीज डू नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग। एडिक्शन शब्द का ध्यान में रखो। कौन सा शब्द? आस्क योरसेल्फ। आस्क योरसेल्फ कि क्या आपको किसी ऐसी चीज का एडिक्शन है जिससे आप पार नहीं पा पा रहे। वो एडिक्शन किसी भी चीज का हो सकता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, खेलने का, और भी कई चीज तरीके एडिक्शन हो सकता है। गलत वाले तो मेरे को शायद यहां दिखते ही नहीं है, पर ये भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए नुकसान है। तो हम किसी भी फालतू की चीज की तरफ एडिक्टेड नहीं हो। आस्क योरसेल्फ। मैं आपसे नहीं पूछ रहा, अभी मैं नहीं पूछूंगा कितने लोग फेसबुक 2 घंटे करते हैं, मैं नहीं पूछूंगा। आस्क योरसेल्फ। मैं रोज अपने आप से पूछता हूँ कि अच्छा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं जो करने के लिए जो मैंने सोचा था कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। रोज 10 मिनट 15 मिनट आत्म चिंतन को देता हूँ कि यार मेरे को जो करना चाहिए क्या मैं वो कर रहा हूँ, मैंने अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करा, मैं एडिक्टेड तो नहीं हूँ। मैं आपको बताऊँ, जैसे व्हाट्सएप है, आप अपनी बात कर रहे बच्चों की, हम सब लोग जो बड़े हैं, हम सब लोग, आप देखो, आप मैक्सिमम, आपकी बात छोड़ दीजिए, आप 25 साल के ऊपर के जितने लोग हैं आप देखना, सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? आप उनके साथ 1 घंटे बैठना हो, 1 घंटे में 5 बार मोबाइल चेक करेंगे। That is addiction. That is a, हमें पता नहीं पड़ रहा 25 साल के ऊपर वालों को, पर हम एडिक्टेड हैं। ये मोबाइल फोन को यूज करो अपनी ताकत के लिए, वो हमें यूज करें ऐसा। फेसबुक बनाने वाला बनना है तुमको, फेसबुक यूज करने वाला नहीं बनना है तुमको। मेडिकल साइंसेज में जाके तुम्हें सर्जरी के लिए क्या नया इनोवेशन करना है वो करना है तुमको। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो नहीं देखने तुम लोगों को। आप देश का भविष्य कहने के लिए नहीं, वास्तविकता है। वास्तविकता है आज भी देश में, अमेरिका में, नासा में 36% इंडियंस हैं, 36% इंडियंस हैं जो काम कर रहे हैं। जितने भी लॉन्च होते उन सब में 36-37% इंडियंस का हाथ होता है। हम बहुत विषम परिस्थितियों में पले बड़े हुए हैं, हमारी दिमाग की क्षमताओं का कोई पार नहीं है और ना हमारी कोई बराबरी कर सकता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको मोटिवेट करने के लिए कह रहा हूं, ये वास्तविकता है। और जो बच्चे यूपी बिहार में पले बड़े हैं वो तो और विषम परिस्थितियों में बड़े हुए हैं। मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको। गुजरात वालों को फिर भी थोड़ी कंफर्टेबलनेस रहती है जिनके परिवार में, यूपी बिहार के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, इसलिए मैंने कई बार देखा उनको, बहुत विषम परिस्थितियों में उन्होंने तैयारी करी हुई है। इसलिए हमारे दिमाग को कोई पार नहीं पा सकता। देश की तो छोड़ो, हम बहुत देशों से बहुत आगे दिमाग के मामले में। हाँ, हमारे कुछ एडिक्शन है जो हमें पीछे, हमारी सोच है जो हमें पीछे खींच लेती है। आपको सोच को हटाना है। आस्क योरसेल्फ कि मेरे में क्या कमियां हैं। पहले अपने मन से पूछो क्या तुम्हें अपनी कमियां पता है कि नहीं पता। पता है कि नहीं पता? सबको पता होती है, मुझे भी पता है। मुझे ही पता थी जब तैयारी कर रहा था, मैं भी आपको 2-4 गिनाऊंगा भी सही है ना, तो मेरे को भी पता थी। आपको अपनी कमियां पता है, जॉट इट डाउन, 10 कमियां लिख लो। अभी मैं सोचो आज सुन के आया हूं मोटिवेशन, इसलिए कल सारी मिटा दूंगा, नहीं मिट सकती। टारगेट लो कि भाई ये वाली कमी जो मेरी है क्या ये आज कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।